हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बोर्ड सॉल्यूशन को और बहुत सारी बुक्स को जो कि आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिलेगी। तो आप इसे कैसे देखोगे? तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन। जैसे ही आप सर्च करते हो, आपको फर्स्ट लिंक आपको दिख जाएगा वेबसाइट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th एंड मतलब फर्स्ट क्लास से 12th तक सारे बुक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और विथ इसमें एक बात और भी है गाइस, इसकी खासियत यह है कि इसमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी बोर्ड सॉल्यूशन, मतलब आपको इसमें आंसर भी मिलेगा क्वेश्चन के साथ साथ, आप अपने बुक से मैच भी करा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस क्लास 11th के सारे बुक। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके चैप्टर्स मिल जाएंगे। अब आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, थोड़ा स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको देख सकते हो गाइस, आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेंगे इसमें। तो आप क्वेश्चन मैच करा लेना अपने बुक से। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका हल भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है विथ सॉल्यूशन के साथ। उसी तरह से आपको और भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि मान लो मैंने बुक मैथ का बुक ओपन किया था। मैं बैक जाता हूँ थोड़ा, मैं साइंस का बुक ओपन करके दिखाता हूँ या हिंदी। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करने पर आपको चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस, मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की बुक है, बोर्ड यूपी बोर्ड, क्लास 12th, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज इसके कितने दिए हुए हैं ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व 55 क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से आप इसमें स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री मटेरियल्स है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चंस।